तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की तरफ से एक नया अपडेट आया और एक कमाल का नया फीचर वहां पर जोड़ दिया गया दोस्तों। व्हाट्सएप ने एक कमाल का नया फीचर जोड़ दिया गया है। अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट करते हैं दोस्तों, होता क्या है, कभी हम कोई दूसरे फोटो या वीडियो को डाल रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमसे कोई गलत फोटो या वीडियो वहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है और वाला स्टेटस पे लग जाता है। बट अब अगर हमें उसको डिलीट करना हो तो हमें उसको ऑप्शन में जाना होता था, फिर थ्री डॉट्स में जाते थे, तब जाके हम उसको डिलीट कर पाते थे। बट वहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दे दिया गया है, अनडू। वहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपने कोई फोटो या वीडियो को आपने सेलेक्ट करके डाल दिया तो वहाँ आपको तुरंत एक ऑप्शन मिल जाएगा अंडू का, आप तुरंत ही उसको अंडू कर सकते हैं ताकि आपका जो भी गलत आपने फोटो या वीडियो डाल दिया है वो आपका तुरंत रिमूव हो जाए। दोस्तों ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे यूज़ करना है, तो आगे आपको वीडियो में बताने वाला दोस्तों। तो वीडियो उसके मत करेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ये आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप के कमाल के नए फीचर के बारे में। दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर व्हाट्सएप लिख के व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। व्हाट्सएप को जैसे ही अपडेट करेंगे, आप अपडेट करके उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस पे आ जाना है। अगर यहाँ पर आपको कोई स्टेटस अपडेट करना है तो आपको यहाँ नीचे क्लिक कर लेना है और कोई भी अपनी फोटो को क्लिक करके अपडेट करना है। लाइक मैंने यहाँ पर ये मेरी फोटो ले ली, ब्लरी सी फोटो है, और मैंने उसको यहाँ पर स्टेटस अपडेट करने के लिए क्लिक करा। जैसे ही मैंने क्लिक करूंगा आप नीचे देखेंगे आपको नया ऑप्शन मिलेगा अंडू का। जैसे मैं अंडू पे क्लिक करूंगा और वहां पर ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल का है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहां पर क्लिक करा और ये यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो नीचे आपको यहाँ पर अंडू का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही मैं अंडू पे क्लिक कर दूंगा ऊपर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब कि वो स्टेटस वहाँ पर अपलोड नहीं होगा। होता है कभी हम कोई गलती से कोई दूसरी फोटो सिलेक्ट कर रहे हो और हमसे कोई दूसरी फोटो सिलेक्ट हो जाए तो हमें लगता है कि यार ये फटाक से डिलीट हो जाए। जैसे कि मैंने मान लो ये मेरी फोटो मैंने अभी क्लिक करी और ये मेरी फोटो ब्लरी सी आई है। मैं नहीं चाहता कि इसको अपडेट हो बट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं यहाँ पर अंडू पे क्लिक कर दूंगा और वहाँ पर वो डिलीट हो जाएगा। तो बहुत ही कमाल का यह फीचर लगा मुझे, मुझे तो बहुत पसंद आया। मेरे साथ तो हमेशा होता है कभी कोई गलती सी फोटो अपलोड हो जाए तो उसको डिलीट करने के लिए फिर मुझे यहाँ पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होता है, फिर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना होता है, फिर मैं डिलीट कर पाता हूँ। बट वो जो अंडू वाला फीचर दिया गया बहुत शानदार है। वो आपको शायद मैं भी 2 या 5 मिनट्स या 5 सेकंड्स तक रुकता है, उसके बाद वो चला जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर अपडेट करा तो कितनी देर रुकेगा आप खुद देखेंगे। ये मैंने अपडेट करा और वहां पर कुछ देर तक रुकेगा और फिर उसके बाद वो चला जाएगा। जैसे चला गया, अब आपको डिलीट करना हो तो यहाँ थ्री डॉट्स पे जाना होगा, फिर यहाँ पर जाना होगा, फिर आप डिलीट कर पाएंगे। अगर आपको डिलीट करना हो तो कुछ सेकंड के लिए आपको नीचे अंडू का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसको इजीली वहां से डिलीट कर पाएंगे। दोस्तों यही अपडेट था, यही नया फीचर था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है उसमें वीडियो कुछ कमी है तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।